तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने 1.1.2 यानी 1.3 का पूरा बेसिक कर लिया था। अगर वो वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो आज की एक्सरसाइज आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि 1.1 फंक्शन कौन से होते हैं, 1.2 फंक्शन कौन से होते हैं, इंजेक्टिव किन्हें कहते हैं, सर्जेक्टिव किन्हें कहते हैं। तो उनकी पूरी की पूरी कंसेप्ट हमारी 1.3 की एक पूरी वीडियो आपके लिए अपलोड की थी, पिछली प्रीवियस वीडियो थी जो हमारी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में। लो जी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर देते हैं आज की वीडियो का काम। तो आपको प्रोसेस तो हमारा पता ही होगा कि किस तरह काम चलता है। आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखेंगे, उनका सॉल्यूशन या हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर होगा। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में। चलते हैं हमारी 1.3 एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि 1.3 एक्सरसाइज में यानी 1.1.2 के क्वेश्चन हमें किस तरह प्रूव करने होंगे। मैक्सिमम बात तो हमारी 1.1.2 की खत्म हो चुकी थी प्रीवियस वीडियो में ही। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं फिर कहता हूँ एक बार उस वीडियो को देखना, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं 1.3 एक्सरसाइज। तो 1.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। हमारे पास कोई ए सेट गिवन है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1, 2 और 3। एंड बी सेट हमारे पास एक है उसमें एलिमेंट गिवन है 4, 5, 6 और 7। क्लियर है। लेट एफ, एक इन्होंने क्या बना रखा है, फंक्शन बना रखा है अपने आप इज इक्वल टू हमारे पास 1, 4, 2, 5 और 3, 6। क्लियर है। ये कह रहा है ये फंक्शन ए टू बी बनाया गया है, प्रूव करो कि ये हमारा 1-1 फंक्शन होगा। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि एक ए सेट था एक बी सेट था, उन दोनों का यूज करके इसने एक फंक्शन बना दिया जिसमें हमारे पास 1 की इमेज क्या दे रखी है 4, 2 की इमेज क्या दे रखी है 5, 3 की इमेज क्या दे रखी है 6। क्लियर है। और 7 हमारा बिल्कुल एज इट इज है, इसकी कोई हमारे पास प्री इमेज नहीं है। क्लियर है। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है इसको ये चीज प्रूव करो कि ये 1-1 फंक्शन होगा। तो एक चीज थी, हमने जो प्रीवियस वीडियो की आपकी उसमें क्या बताया था कि 1-1 फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी एक डिफरेंट डोमेन के लिए हमारे पास एक डिफरेंट रेंज मिलती हो। क्लियर है। तो हमने क्या पुट किया, 1 की देखो हमारे पास 1 क्या है डोमेन है, इसकी 4 क्या है इमेज मिल रही है। तो हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं डोमेन 1, 2 और 3। क्लियर है। और ये हमारे पास रेंज का सेट है जिसमें एलिमेंट गिवन है 4, 5 और 6। क्लियर बात है। 1 की इमेज इसने क्या दे दी 4, 2 की इमेज 5 और 3 की इमेज इसी तरह 6। कहने का मतलब एक डिफरेंट डोमेन के लिए हमें क्या मिल रही है, डिफरेंट रेंज मिल रही है। तो हमारे पास यही क्या था काम, 1-1 फंक्शन का था। कहने का मतलब x1 इज इक्वल टू x2, हमने 1 पुट किया तो उसकी इमेज हमारे पास 4 आई, 2 पुट किया तो 5 आई, 3 आई तो 6 आई। कहने का मतलब डिफरेंट डोमेन है डिफरेंट रेंज, डिफरेंट डोमेन हैव डिफरेंट रेंज, हैव डिफरेंट रेंज। तो यही हमारी डेफिनेशन किसकी थी, 1-1 फंक्शन की। दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज 1-1, दिस फंक्शन इज 1-1। तो हमारे पास ये फंक्शन क्या है, 1-1 फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक डिफरेंट डोमेन की हमें क्या मिल रही है, डिफरेंट रेंज मिल रही है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा किस तरह का है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू है 1, -1, 2 और 3। हमारे पास एक सेट गिवन है ए, सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। ए सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है हमारे पास 1, -1, 2 और 3। और एक है हमारे पास बी सेट जिसमें एलिमेंट गिवन है 1, 4, 9 और 16। ये हमारे पास एलिमेंट है। अब ये क्या कह रहा है, सो दैट ए फंक्शन एफ, सच दैट ए टू बी है हमारा फंक्शन, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया इसने एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर इज मैनी वन फंक्शन एंड 1-2 फंक्शन। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास मैनी वन फंक्शन होगा और 1-2 फंक्शन होगा। तो देखो हमने ये भी बताया था कि मैनी वन फंक्शन कौन सा फंक्शन होते हैं, मैनी वन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो 1-1 नहीं होते, जो क्या नहीं होते, 1-1 नहीं होते। कहने का मतलब डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट रेंज नहीं मिलती, 2 या 3 डोमेन के लिए हमें सिंगल रेंज मिल जाती है। तो फंक्शन कैसा हो जाता है, 1-1। और 1-2 फंक्शन क्या होता है, 1-2 फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हमारा 1-2 फंक्शन नहीं होता। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ 1-2 फंक्शन इज कॉल्ड 1-2 फंक्शन एंड कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ 1-1 फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। तो हमारे पास जो ये फंक्शन दे रखा है इसने, इस फंक्शन को हमें यही प्रूव करना होगा कि ये 1-1 नहीं होगा और हमारा 1-2 भी नहीं होगा। तो हमारा 1-1 नहीं है तो मैनी वन हो जाएगा और 1-2 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1-2। तो चलते हैं इस फंक्शन की तरफ। तो देखो एक बार, ये हम डोमेन का सेट लेते हैं,
समझाने के लिए है, किसका सेट ले लिया हमने, डोमेन का, और यहां ले लेते हैं हमारे रेंज का सेट, किसका, रेंज का, और हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्लियर है बात। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ए टू बी फंक्शन चल रहा है, कहने का मतलब जो डोमेन का सेट है वो ए में से लेंगे और रेंज का सेट हमारा बी में से आएगा, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो हम अगर वन पुट करते हैं, देखो तो x की जगह वन पुट किया तो एक्स स्क्वायर इसकी रेंज क्या आ जाएगी, वन। उसी तरह माइनस वन पुट किया तो माइनस वन की भी रेंज क्या आई, वन। उसके बाद टू पुट किया तो टू की रेंज क्या आई, टू का स्क्वायर फोर। उसी तरह थ्री पुट किया तो थ्री की रेंज क्या आई हमारे पास, नाइन। क्लियर है एक बात, ठीक है। लेकिन हमारा जो रेंज का सेट है उसमें एक 16 भी गिवन है, तो इस 16 को हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन इसकी क्या है, किसी की डोमेन नहीं है ये। तो वन की इमेज आई वन, माइनस वन की भी इमेज आई वन, टू की इमेज आई फोर, थ्री की इमेज आई 16। तो एक बात बताओ, हमारे पास ये टू डिफरेंट इमेजेस थी, मतलब दो डिफरेंट हमारे पास डोमेन ली तो हमारे पास डिफरेंट ही रेंज आनी चाहिए थी, लेकिन दो डिफरेंट डोमेन के लिए हमें सिंगल रेंज मिल रही है, यानी वन के लिए भी हमें वन मिल रहा है और माइनस वन के लिए भी वन मिल रहा है। कहने का मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया, या नहीं कि मैनी जो हमारी डोमेन है उनके लिए रेंज क्या मिल रही है, वन मिल रही है। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मैनी वन। अब चलते हैं उन टू फंक्शन के लिए। तो देखो जो 16 है हमारा, 16 हैव डिड नॉट एनी प्री इमेज। जो हमारा 16 है उसकी कोई प्री इमेज है, यानी कुछ पुट करने के बाद 16 आ रहा है, नहीं, क्योंकि हमारे पास पुट तो हम ये चार एलिमेंट ही कर सकते हैं, वन माइनस वन टू और थ्री। तो हम ये चारों के चारों पुट करके देखे तो हमारे पास वन फोर और नाइन यही आ रहा है, 16 तो आ ही नहीं रहा, लेकिन 16 हमारे रेंज सेट का एक हिस्सा है, तो 16 की कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कौन सा है, ऑन टू नहीं है, तो कौन सा फंक्शन हो गया, ये इनटू फंक्शन, दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। और यही चीज थी जो हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन आपको किस तरह का दे रखा है। तो जैसे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपको ये रहा, स्क्रीन के ऊपर देखो, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट जेड टू जेड, इंटीजर टू इंटीजर हमारा फंक्शन दे रखा है, आगे पढ़ो, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स दे दिया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। ये क्या कह रहा है कि ये एक्स होगा ना, ये जेड से बिलोंग करेगा, जेड से बाहर नहीं होना चाहिए, मतलब एक इंटीजर ही होना चाहिए, इज मैनी वन फंक्शन। ये क्या प्रूव करवा रहा है कि ये फंक्शन हमारा क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा, मतलब मैनी वन फंक्शन के लिए क्या होता है, वन वन नहीं होगा, बात समझ में आई। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो, तो देखो एक चीज होती है हमारे पास कि वन वन प्रूव के लिए हम क्या करते हैं, जब उस फंक्शन हमें वन वन प्रूव करना होता है उसके लिए हम इमेज को इक्वल लेके चलते हैं और आखिर में हम क्या कर देते हैं, उसके एलिमेंट को इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो मान लिया वन वन, क्या कर देते हैं इसको, वन वन प्रूव करते हैं, और अगर ये लास्ट में जाकर हमारा वन वन नहीं होगा, तो वन वन नहीं होगा, तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। जो हमारे पहले दो क्वेश्चन थे उनमें हमारे पास क्या दे रखे थे, एलिमेंट दे रखे थे वन की इमेज वन, टू की इमेज फोर, इस तरह। लेकिन ये क्या है, हमारे पास एक जर्नल केस दे रखा है जिसमें हम एक्स वाई एलिमेंट दे रखे हैं। तो जब हमारे पास जर्नल केस दे रखे हो, मतलब एक्स वेरिएबल की फॉर्म में फंक्शन हो, तो उसको हम कैसे प्रूव करते हैं वो देखो। उसके लिए क्या मानते हैं हम, एक्स वन और एक्स टू दो एलिमेंट मान लेते हैं। देखो एक्स वन एंड एक्स टू आर टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू जेड, हमने दो एलिमेंट माने वो जो किससे बिलोंग करते हैं, जो हमारा फंक्शन बिलोंग करेगा उसी से, जेड से बिलोंग करते हैं। तो वन वन के लिए हम दो फंक्शन की इमेज को इक्वल लेके चलते हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेकर चलते हैं, और लास्ट में अगर हमारा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाता है तो वो हमारा वन वन फंक्शन हो जाता है, वो अगर नहीं आता तो हमारा मैनी वन हो जाता है। आ जाओ तो एफ ऑफ एक्स वन यहाँ पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन, मतलब एक्स की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, एक्स वन पुट किया तो एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन इज इक्वल टू, जब हम एक्स टू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स टू का स्क्वायर प्लस एक्स टू, यही आएगा हमारे पास। अब देखो इस एक्स टू के स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं तो एक्स वन स्क्वायर यही साइड आया माइनस का एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो एक्स टू तो पहले था, ये उस साइड गया तो माइनस का हो गया एक्स वन, बात समझ में आई। एक्स वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स वन माइनस एक्स टू, बात समझ में आई। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ये एक्स वन माइनस एक्स टू हो गया, यानी ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव,
एक्स वन माइनस एक्स टू से एक्स वन माइनस एक्स टू कैंसिल, तो क्या आया एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू यह क्या बचा माइनस का वन, क्योंकि माइनस कॉमन था हमारा तो क्या बचा माइनस का वन। अब ये एक्स टू साइड जाएगा तो एक्स वन इज इक्वल टू क्या आया माइनस वन माइनस एक्स टू। अब देखो एक बार क्या हमारा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आया, नहीं आया। तो जब हमारा x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आता तो वो फंक्शन कैसा हो जाता है, वो फंक्शन क्या हो जाता है मैनी वन हो जाता है। और अगर ये x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता तो हमारा फंक्शन कैसा होता वन वन। तो जब हमारे पास ये जर्नल केस दे रखा हो यानी कोई एलिमेंट ना दे रखे हो सेट बनाकर, तो हम इस प्रोसीजर से उसको वन वन या ओन टू प्रूव करते हैं। तो ओन टू कैसे प्रूव करेंगे वो सारे इस एक्सरसाइज में बताएंगे, तो इस वीडियो में बने रहें, इसको लाइक कर दें और हमारे क्वेश्चनों के साथ चलते रहे। तो जैसे हमारा था ये कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ कि फोर्थ क्वेश्चन हमारा किस तरह का दे रखा है। तो इस तरह हम फंक्शनों को वन वन या ओन टू प्रूव करते हैं। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू माइनस वन जीरो। देखो ये हमारे पास सीधा आपके लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है माइनस वन जीरो वन, और हमारा फंक्शन बना रखा है एक्स और एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ माइनस वन पुट करूंगा तो रेंज क्या आएगी एक्स स्क्वायर, माइनस वन की रेंज भी क्या है प्लस का वन, और प्लस वन पुट करूंगा उसकी रेंज भी क्या है प्लस वन। तो हमारे दो डिफरेंट डोमेन के लिए एक सिंगल रेंज मिल जाएगी, तो ये फंक्शन कैसे हो जाएगा वन वन नहीं होगा, मतलब नोट वन वन। और ओन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो बहुत सारे फंक्शन है जिनकी इमेज गिवन नहीं होगी, क्योंकि जीरो की इमेज जीरो आएगी, वन की इमेज वन आ जाएगी, लेकिन माइनस वन है जो वो किसी की इमेज आएगी नहीं, क्योंकि माइनस वन पुट करूंगा तो क्या आएगा प्लस का वन, जीरो पुट करूंगा जीरो, वन पुट करूंगा तो भी वन। तो माइनस वन एक ऐसा एलिमेंट बचेगा जिसकी कोई परी इमेज ही नहीं होगी, और परी इमेज नहीं होगी तो ये फंक्शन कैसा नहीं होगा ओन टू नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क की तरह होगा, करके देखना, अगर ना हो तो मुझे बताना। अब चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, हमारा एक फंक्शन दे रखा है जो हमारे आर टू आर चल रहा है, पहला पार्ट है ये फंक्शन सच दैट आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ हमारा फंक्शन चल रहा है, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या कह रहा है टू एक्स। शो करो कि ये हमारा फंक्शन क्या होगा वन वन एंड ओन टू होगा, चलो कर देंगे आ जाओ। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है टू एक्स, तो वन वन या ओन टू। देखो इस क्वेश्चन में हम दोनों बताएंगे आपको कि किस तरह हम वन वन प्रूव करते हैं और किस तरह ओन टू प्रूव करते हैं। तो वन वन के लिए तो अभी बताया था एक्स वन और एक्स टू दो एलिमेंट मान लेते हैं जो किससे बिलोंग कर रहे हैं हमारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या करते हैं इसकी इमेज को इक्वल लेके चलते हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, और आखिर में जाके हम एलिमेंट्स को क्या प्रूव कर देते हैं इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है वन वन। आ जाओ तो अब एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा, यहाँ पुट करते हैं टू ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा ट्वाइस ऑफ एक्स टू, टू से टू कैंसिल क्या बचा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। और अभी बताया था जब हमारे पास एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ जाता है तो फंक्शन कौन सा हो जाता है वन वन। तो पहला काम तो कर दिया हमने, फंक्शन को क्या प्रूव कर दिया वन वन। अब चलते हैं प्रोसीजर की तरफ ओन टू की तरफ कि हमारे किसी भी फंक्शन को हम ओन टू कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ओन टू के लिए क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन होता है एफ एक्स इसको इक्वल टू वाई पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं वाई। तो टू एक्स को इक्वल टू वाई पुट कर दिया, एफ एक्स क्या था टू एक्स वाई पुट कर दिया, यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई बाई टू। इस एक्स की वैल्यू को वापिस फंक्शन में पुट करेंगे, और अगर पुट करने के बाद हमारा सिंगल वाई आ जाता है तो वो फंक्शन क्या बन जाता है ओन टू। जैसे इस एक्स को यहां पुट कर देते हैं तो टू इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा वाई बाई टू, टू से टू कैंसिल क्या बचा वाई। तो हमारा पुट करने के बाद अगर वाई आ जाता है वापिस ही तो फंक्शन क्या हो जाता है ओन टू हो जाता है, और अगर वाई से अलावा कोई चीज आ जाती है तो हमारा फंक्शन वो ओन टू नहीं होगा, कौन सा होगा इन टू। तो अब की बार तो हमारा क्या आया वाई आया, तो ये फंक्शन कैसा होगा ओन टू फंक्शन होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉरी फिफ्थ का पहला पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल ही एज इट इज इसी की तरह वो आप कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू है, वही एक्स वन एक्स टू दो एलिमेंट मानेंगे, इमेज इक्वल टेकेंगे, और यहां से हम एक्स वन को इक्वल टू प्रूव कर देंगे एक्स टू के। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसका नाम है सिक्स्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस के। क्या कह रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ओन टू। दो फंक्शन दे रखे हैं, ये कह रहा है कि ओन टू फंक्शन कौन सा होगा। पहला पार्ट है जैसे जैसे हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया इसने एक्स स्क्वायर प्लस टू, और एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा चेक करना है ये ओन टू फंक्शन होगा या नहीं।
तो देखो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करते हैं, अभी बताया था एफ एक्स को इक्वल टू क्या प्रूव कर देते हैं, वाई के पुट करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू पुट कर दिया वाई के, कर दिया एफ एक्स की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये इक्वल टू हो गया वाई। यहां से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई माइनस टू, ये टू इस साइड गया, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट वाई माइनस टू। अब क्या कहा था कि जो एक्स की वैल्यू आई है वो वापिस फंक्शन में पुट करो और देखो इक्वल टू वाई आ रहा है या नहीं, पुट कर देते हैं या तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है अंडर रूट वाई माइनस टू उसका स्क्वायर और प्लस का टू, क्लियर है, अंडर स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या बचा वाई माइनस टू और प्लस में टू, टू से टू कैंसिल क्या आया हमारे पास वाई, तो हमारा ये वाई आ गया वापिस, वाई आ गया तो ये फंक्शन क्या होगा ऑन टू होगा। कहने का मतलब जो सिक्स्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो हमारा कैसा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है। अब चलते हैं किसकी तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है देखो एक बार, वो नहीं होगा ऑन टू फंक्शन, क्यों नहीं होगा, जैसे हमारे पास सेकंड पार्ट में इसने क्या दे दिया, इसे कहते हैं हम सिग्नम फंक्शन, जो इसने दे रखा है क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू वन आ रहा है अगर इफ एक्स इज बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, रैशनल का सिंबल क्या होता है क्यू, और माइनस वन आ रहा है जब एक्स बिलोंग कर रहा है इरेशनल नंबर से, क्लियर है बात। ऐसे जो फंक्शन होते हैं जिनके लिए हमें क्या होती है एक डिफरेंट वो दे देते हैं कि सबके लिए एक ही वैल्यू दे दी, सारे रैशनल नंबर के लिए वन दे दी, सारे इरेशनल नंबर के लिए माइनस वन दे दी, तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन। आगे जाकर पढ़ोगे आप एक्स्ट्रा क्लासेस में, जैसे हमारे पास क्या कह रहा है अब इसको हमें प्रूव करना है या देखना है, चेक करना है कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए देखो क्या होते हैं कि यार एक जो हमारी इमेज होती है उसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, यही हमारी डेफिनेशन है किसकी, ऑन टू फंक्शन की। तो अब ये देखो एक बार, जितने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ देता हूं तो एक रियल नंबर बन जाता है जिसमें हमें ये सेट बनाना है, क्लियर है। तो क्या है कि दो ही नंबर एग्जिस्ट करते हैं हमारे नंबर सिस्टम में, क्या या तो वो रैशनल नंबर होगा या वो क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। इसने सारे रैशनल नंबर के लिए एक इमेज दे दी वन और सारे इरेशनल नंबर के लिए एक इमेज दे दी माइनस वन, तो वन और माइनस वन इन दोनों एलिमेंट्स को छोड़कर जो बाकी नंबर बच गए, जैसे हमारे पास टू है थ्री है फोर है फाइव है, ये किसे की इमेज होंगी, मतलब इनकी कोई इमेज होगी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अगर मैं कुछ पुट करता हूं अपनी मर्जी से तो या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल, कुछ भी पुट कर लो हमारी इमेज क्या आएगी, या तो वन आएगी या माइनस का वन आएगी, लेकिन इनके अलावा जो एलिमेंट बच गए उनके लिए तो कोई परी इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती भाई, तो परी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती तो ये फंक्शन कैसा नहीं होगा, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो हमारा ऑन टू फंक्शन बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, समझ में आई बात। अगर अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, जो भी आपके लिए डाउट है उसको सोल्व करेंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन की आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। तो सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो आपकी स्क्रीन पे आएगा, चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। तो सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा, चेक द इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शन। देखो इंजेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन चेक करने हैं, यानी इंजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, प्रीवियस वीडियो में बताया था वन वन फंक्शन ही हमारे इंजेक्टिव होते हैं, और सर्जेक्टिव कौन से होते हैं ऑन टू फंक्शन। तो हमें चेक करना होगा कि कौन सा फंक्शन इंजेक्टिव है कौन सा सर्जेक्टिव। जैसे पहला हमारे पास जो हमारा फंक्शन है वो जेड टू जेड चल रहा है, मतलब इंटीजर टू इंटीजर चल रहा है, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकंड पार्ट है हमारे पास जो चेक करना है हमें, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर चल रहा है फंक्शन, और एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया एक्स क्यूब। उसी तरह थर्ड जो पार्ट है हमारा वो कह रहा है फंक्शन दे दिया एक्स क्यूब रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब या स्क्वायर एक्स क्यूब। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये चेक करना होगा कि इनमें से कौन सा फंक्शन इंजेक्टिव है कौन सा सर्जेक्टिव है, यानी कौन सा वन वन है कौन सा ऑन टू है। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं देखो, जैसे पहला फंक्शन पार्ट को देखते हैं एक बार। तो पहला पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और जेड टू जेड मतलब इंटीजर ही पुट कर सकते हैं, इंटीजर ही आना चाहिए। तो एक बार क्या कर लिया मैंने, माइनस वन पुट किया, तो माइनस वन पुट किया तो इस साइड माइनस वन का स्क्वायर वन आया, प्लस वन पुट किया तो उस वो भी क्या आया वन आया, कहने का मतलब यही आया। तो माइनस वन पुट किया तो भी वन, वन पुट किया तो भी वन, मतलब दो डोमेन के लिए हमें एक सिंगल रेंज मिल गई। तो ये फंक्शन क्या हो गया ऑन टू, सॉरी वन वन तो है नहीं, वन वन नहीं है ना। इसी तरह टू और माइनस टू पुट कर लो, टू पुट करूंगा तो भी फोर, माइनस टू पुट करूंगा तो भी फोर,
तो हमारे पास ये वन वन फंक्शन तो है नहीं, मतलब इंजेक्टिव तो है नहीं, तो कैंसिल हो गया इंजेक्टिव। अब एक बार ऑन टू चेक करते हैं, तो देखो इंटीजर टू इंटीजर आ रहा है, तो अगर मैंने वन पुट किया तो हमारे पास वन आ गया, टू पुट किया तो क्या आया फोर, थ्री पुट किया तो क्या आया नाइन। मतलब देखो एक बार, जो हमारा डोमेन है, एक बार देखना यार, जो हम डोमेन है वो तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे वन टू थ्री फोर सारे इंटीजर, लेकिन जो रेंज रेंज का सेट आएगा वो हमारा क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, वन फोर नाइन सिक्सटीन इस तरह। तो जो इनके बीच में इंटीजर बच गए, जैसे हमारे पास टू और थ्री है, ये इनकी कोई प्रीमेज होगी, मतलब किसी के पुट कर, किसी इंटीजर के पुट करने के बाद ये टू थ्री आएंगे नहीं आएंगे, तो टू थ्री की कोई प्रीमेज नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा नहीं है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। कहने का मतलब जो पहला पार्ट है वो हमारा ना तो इंजेक्टिव फंक्शन होगा ना सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। देखो ये हमारा वन वन फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि देखो फंक्शन दे दिया क्यूब का, आपकी बार एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया, एक्स क्यूब के बराबर दे दिया, बराबर दे दिया। तो यहां हम पुट करते हैं नेचुरल नंबर, जैसे वन टू थ्री फोर नेचुरल नंबर दे दिए इसने, तो रेंज सेट क्या आएगा, वन के लिए वन, टू के लिए एट, क्योंकि टू की क्यूब एट, थ्री की क्यूब और फोर की क्यूब, मतलब इस तरह चलता रहेगा काम। मतलब एक डिफरेंट डोमेन के लिए हमें क्या मिल रही है, एक डिफरेंट रेंज मिल रही है, तो डिफरेंट रेंज मिल रही है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, वन वन होगा, वन वन यानी इंजेक्टिव तो होगा, ये इंजेक्टिव तो होगा। अब बात करते हैं सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन की, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसने देखो डोमेन भी नेचुरल नंबर आनी चाहिए और रेंज, तो रेंज का सेट भी एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, लेकिन रेंज के सेट में हमारे पास टू थ्री फाइव ऐसे एलिमेंट भी तो हैं, ये भी नेचुरल नंबर हैं, लेकिन इनकी कोई प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों, क्योंकि वन के बाद टू ही पुट कर सकते हैं, वन के बाद नेचुरल नंबर क्या आएगा टू, तो टू की इमेज एट आ रही है, मतलब वन और एट के बीच में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी कोई प्रीमेज नहीं है, प्रीमेज नहीं है तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है तो ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो सेकंड जो पार्ट है वो इंजेक्टिव तो होगा लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट किस तरह चल रहा है, रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब डोमेन भी हम रियल नंबर पुट करेंगे और हमारा रेंज सेट भी क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए, यही कह रहा है हमारा थर्ड पार्ट। एक्स क्यूब का हमारा फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्लियर है। अब देखो मैं माइनस वन पुट करता हूं तो इमेज क्या आएगी, माइनस वन, क्योंकि माइनस वन की क्यूब माइनस वन, वन पुट किया तो वन, टू पुट किया तो एट, सॉरी हाँ एट, थ्री पुट किया तो 27। मतलब एक डिफरेंट डोमेन के लिए हमें डिफरेंट रेंज मिल रही है, मिल रही है या नहीं, तो ये फंक्शन कैसा होगा, इंजेक्टिव तो होगा, इंजेक्टिव होगा, होगा भाई। अब बात करते हैं क्या सर्जेक्टिव होगा, मतलब ऑन टू होगा, सर्जेक्टिव भी होगा, क्यों, क्योंकि अब जितने नंबर इनके बीच में मौजूद हैं किसी ना किसी पुट करने के बाद हमारे वो सब आ सकते हैं। जैसे बात कर ले टू की, कि टू किसी के पुट करने के बाद आएगा, आएगा, अगर मैं यार रूट टू पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, रूट टू, रूट टू भी क्या है एक रियल नंबर, रूट टी रूट टू यार टू की पावर वन बाई थ्री पुट कर दूं, कर सकते हैं, तो टू बाई वन बाई थ्री की यार पुट करूंगा तो थ्री से थ्री कैंसिल टू आ जाएगा, क्यूब रूट पुट कर दिया मैंने। इसी तरह अगर थ्री चाहिए तो यहाँ पुट कर दो थ्री की पावर वन बाई थ्री, क्यों, क्योंकि रियल नंबर तो हर नंबर होता है हमारे पास, तो हर एक डोमेन के लिए हमें प्री इमेज एग्जिस्ट मिलेगी, क्योंकि सारे रियल नंबर हमें मिल सकते हैं एक रियल नंबर पुट करने के बाद। तो ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, सर्जेक्टिव भी होगा। तो बात समझ में आई, पहला तो हमारा ना तो हमारा इंजेक्टिव था ना सर्जेक्टिव था, दूसरा इंजेक्टिव तो था सर्जेक्टिव नहीं था, और तीसरा हमारा दोनों था इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों। तो ये था हमारा सेवंथ क्वेश्चन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे स्क्रीन के ऊपर दिखेगा आपको एट्थ क्वेश्चन। तो एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन आर टू आर, फंक्शन दे दिया आर टू आर, हमारा क्या है फंक्शन चल रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स की वैल्यू दे दी इसने एक्स स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा। ये कह रहा है प्रूव करो ये वन वन नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा, नाइदर वन वन नोर ऑन टू। तो देखो जो हमारा क्या होता है, किसी का कॉन्ट्राडिक्शन हमें प्रूव करना होता है ना, मतलब वन वन नहीं प्रूव करना और ऑन टू नहीं प्रूव करना, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कोई, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टिव एग्जाम्पल, मतलब कोई उसके अपोजिट में एग्जाम्पल दे दो, वही वही यही वही क्या हो जाएगा, नोट प्रूव हो जाएगा। जैसे हमें इस फंक्शन को अगर वन वन प्रूव करना होता तो हम क्या करते हैं, इसकी इमेज को इक्वल लेके चलते, मतलब एक्स वन एक्स टू को, और लास्ट में एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू प्रूव कर देते। लेकिन अगर आप हमें क्या प्रूव करना है कि ये वन वन नहीं होगा,
रियल नंबर का फंक्शन है, तो मान लिया देखो हम डोमेन क्या ले लेते हैं, माइनस वन ले लेते हैं, तो हमारा रेंज क्या आएगा, प्लस का वन आएगा। उसी तरह अगर ये मैं वन ले लेता हूं पॉजिटिव का, तो भी हमारा क्या आएगा, वन आएगा। मतलब माइनस वन और प्लस वन दोनों के लिए एक सिंगल हमारी क्या मिल रही है, रेंज मिल रही है। तो ये हमारा फंक्शन कैसा होगा, मैन इवन होगा। मैन इवन का मतलब है ये वन वन नहीं होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि दो डिफरेंट डोमेन के लिए हमें सिंगल रेंज मिल रही है। अब बात करें ऑन टू फंक्शन की, कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा, तो ऑन टू फंक्शन भी ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक बात पूछ रहा हो, स्क्वेयर पुट करूंगा तो हर एक स्क्वेयर हमारा क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर देगा। या मैं कुछ भी पुट कर लूं, या क्या आएगा, एक पॉजिटिव ही नंबर आएगा हमेशा, क्योंकि स्क्वेयर करने के बाद हर एक नेगेटिव पॉजिटिव को क्या बना देगा, स्क्वेयर पॉजिटिव बना देगा। तो हमारे पास जो नेगेटिव बच गए सारे नंबर, उन नेगेटिव की तो कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ना तो ये वन वन फंक्शन होगा और ना ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि ना इधर वन वन और नोर ऑन टू। तो ये था हमारा एट्थ क्वेश्चन। अब बाकी बचते क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी, बहुत गर्मी आज। तो बाकी बचे क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चनों के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।